नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर, जिस पे आपको लगातार फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस, अलग अलग टॉपिक्स के वीडियो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के वीडियोस या वन लीनियर क्वेश्चंस के वीडियोस लगातार मिलते रहते हैं। इसके अलावा अलग अलग जॉब से रिलेटेड, टीचिंग जॉब से रिलेटेड या और कोई भी जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन भी आपको वीडियोज के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आज का ये वीडियो है रैपिड कोर्स जो हमारा चला हुआ है यूपी फिजिकल एजुकेशन TGT फिजिकल एजुकेशन टीचर की रिक्वायरमेंट, जो 8 और 9 मार्च को जो एग्जाम है उसके रैपिड कोर्स का ये फोर्थ पार्ट में लेके आया हूँ, जिसमें हम नेक्स्ट आज के जो हमारे क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा हमने प्रीवियस जो ईयर्स के TGT फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम हुए थे 1999 से लेकर 2016 के बीच, वो भी प्रोवाइड लगातार हम आपको करवाएंगे। एक हम 1999 का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको हम पहले ही प्रोवाइड करवा चुके हैं। अब जो है नेक्स्ट जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर भी आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आज शाम तक लगभग वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात जरूर बोलूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और सबसे ज़्यादा बेनिफिट आप उसका उठा सको, सबसे पहले बेनिफिट आपको मिले। ठीक है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले दो भूल सुधार मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, या कहीं थोड़ी सी अमेंडमेंट हम हमारे वीडियोज में लेके आएंगे। सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था कि क्रिकेट के क्षेत्र में पाजी किसे कहा जाता है, क्रिकेट के क्षेत्र में मैंने कल आपको बता दिया, हरभजन सिंह बता दिया था, तो यहाँ पे इसका आंसर कपिल देव करें। ठीक है, एक हमारा क्वेश्चन था, ये पहले वीडियो में था कि मांसपेशियां हमारे शरीर के बाहर का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा होती है, तो मैंने आपको 40% बताया था, लेकिन कुछ बुक में 45% भी आपको मिल जाएगा। तो आप एग्जाम में अगर दोनों आपके सामने आते तो आप 45% के साथ जाएं, 45% अगर एग्जाम में नहीं है तो फिर 40% के साथ जाएं। ठीक है, प्रायोरिटी हमें 45 को देनी है। तो आज हम शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को वर्ष 2013 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, 2013 में किसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया। 101 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो हमारा आंसर होगा, रंजन सोढ़ी जी को ये दिया गया था। नेक्स्ट, एक दिवसीय मैचों का विश्व कप कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग गेम्स के बारे में पूछी जाती है कितने वर्ष बाद कौन सी चीज़ आयोजित की जाती है, फॉर एग्जाम्पल एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक गेम्स 4 साल बाद आयोजित किए जाते हैं। इसी प्रकार जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो भी 4 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी हॉकी खेल हेतु वर्ष 2013 के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसे किया गया था 2013 में ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित। 103 के क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा सैयद अली। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित किस खेल को स्पार्टा की यूनानियों द्वारा हार पेस्टन नाम से खेला जाता था, उसने की यूनान में जो स्पार्टा का काल था उस समय जो हार्पेस्टन नाम से खेल खेला जाता था उसका नाम पूछा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये होता था फुटबॉल। नेक्स्ट है, लंदन फुटबॉल एसोसिएशन का गठन कब किया गया, जो लंदन फुटबॉल एसोसिएशन है इसका गठन जो किया गया था ये किया गया था 1863 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कब की गई, भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना की गई थी 1878 में। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों में प्रतियोगिता के रूप में फुटबॉल को किस वर्ष सम्मिलित किया गया, किस वर्ष सम्मिलित किया गया ये पूछा है कि फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष सम्मिलित किया गया, 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत ने विश्व ओलंपिक फुटबॉल प्रतियोगिता में पहली बार किस सन में भाग लिया, तो किस सन में भाग लिया था 108 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा 1948 में। नेक्स्ट है, विश्व फुटबॉल प्रतियोगिता की योजना बनाई किसने बनाई, विश्व फुटबॉल प्रतियोगिता की करवाई जाए ऐसा आइडिया किसके दिमाग में आया ये जो पूछा है इसका जो आंसर होगा एम जूल्स रिमेट और हेनरी डिलोन, एक ऐसे व्यक्ति थे दोनों जिनके दिमाग में ये उपजा कि ऐसा ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है, जूल्स रिमेट ट्रॉफी किस देश का लगातार 3 वर्ष जीतने के कारण पूर्ण अधिकार हो गया, कौन से देश ने लगातार जूल्स रिमेट ट्रॉफी 3 साल जीती
तो जो इसका जो मरान स्कोर हो जाएगा ये जीती थी ब्राजील ने। नेक्स्ट है जूल्स रिमेट ट्रॉफी का नाम बदलकर किस सन में फीफा वर्ल्ड कप कर दिया गया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है फीफा वर्ल्ड कप को पहले किस नाम से आयोजित किया जाता था या जूल्स रिमेट ट्रॉफी को अब किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से आयोजित किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 111 नंबर क्वेश्चन का आंसर 1974 में जो है ना जूल्स रिमेट ट्रॉफी को का नाम बदलकर फीफा वर्ल्ड कप कर दिया गया। फीफा FIFA फीफा फुटबॉल इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ फीफा की। तो जो फीफा की फुल फॉर्म आपको बता रहा था ये हो जाएगी फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है फीफा वर्ल्ड कप कितने कैरेट सोने से निर्मित होता है। जो फुटबॉल वर्ल्ड कप कितने कैरेट सोने से निर्मित होता है, जो वो ट्रॉफी दी जाती है तो वो कितने कैरेट सोने का बना होता है, वो होता है 18 कैरेट का। नेक्स्ट है भारतीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए संतोष ट्रॉफी मनमथनाथ राय चौधरी द्वारा भेंट की गई, जो संतोष नगर के थे, यह नगर है कहाँ पे है ये नगर, ये है बांग्लादेश के अंदर। नेक्स्ट डूरंड कप प्रतियोगिता पहली बार कब आयोजित की गई, तो कब आयोजित की गई थी डूरंड कप प्रतियोगिता 114 के जो आंसर इसके क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा 1888 में। नेक्स्ट है भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता, भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता की बात होगी तो यहाँ पे होगी डूरंड कप जो 1888 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है डूरंड कप प्रतियोगिता पहले शिमला में आयोजित होती थी लेकिन 1940 से इसका आयोजन किया जा रहा है। पहले ये डूरंड कप शिमला में आयोजित होती थी लेकिन 1940 के बाद इसका स्थान बदल दिया गया, तो अब कहाँ पे आयोजित होती है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट रोबर्स कप प्रतियोगिता का आयोजन पहली बार मुंबई में कब कराया गया रोबर्स कप फुटबॉल प्रतियोगिता का पहली बार आयोजन मुंबई में, तो 117 का जो आंसर इसका आंसर हो जाएगा 1891 में। नेक्स्ट है आई एफ ए शील्ड प्रतियोगिता 1993 में किस शहर में कराई जा रही है। 1993 से जो आई एफ ए शील्ड प्रतियोगिता है ये फुटबॉल से संबंधित है, रोबर्स कप भी फुटबॉल से संबंधित है। पूछा कि 1893 में किस शहर में करवाई जा रही है, तो ये करवाई जा रही है कोलकाता में। नेक्स्ट है डीसीएम फुटबॉल प्रतियोगिता कब से प्रारंभ हुई, जो डीसीएम फुटबॉल प्रतियोगिता है वो कब से प्रारंभ हुई, ये हुई थी 1945 से। नेक्स्ट है डीसीएम फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किस शहर में किया जाता है, तो किस शहर में किया जाता है अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार की लिस्ट मैच करने के किसको किस साल में अर्जुन पुरस्कार मिला, ये सारे फुटबॉल खिलाड़ी हैं, तो 121 का जो आंसर है होगा हमारा ये होगा बी। जैसे कि यहाँ पे देखोगे आई एम विजेनन को 2002 में मिला, ब्रूनो कुतनीहो को 2001 में मिला, सुबोर्तो भट्टाचार्य को 1992 में मिला, शांति मलिक को 1993 में मिला। नेक्स्ट है प्रथम फुटबॉल खिलाड़ी जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो प्रथम फुटबॉल खिलाड़ी कौन थे जिन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया, तो ये थे 122 का जो मरान शुरू हो जाएगा टी बलराम। नेक्स्ट है इंग्लैंड हॉकी संघ की स्थापना कब हुई, इंग्लैंड हॉकी संघ की स्थापना 1886 में हुई थी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना, जो अंतर्राष्ट्रीय जो हॉकी संघ है उसकी स्थापना कब हुई, ये हुई थी 7 जनवरी 1924 को। नेक्स्ट है फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी का प्रधान कार्यालय कहाँ है, जो वर्ल्ड कप वगैरह जो भी इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स हैं, जो राष्ट्र सॉरी जो इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स होती हैं हर साल उनको जो आयोजित करवाती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी फेडरेशन का प्रधान कार्यालय पूछा मुख्य कार्यालय मुख्यालय कहाँ पे है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 125 में सी वियना में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कब की गई, तो भारतीय हॉकी संघ की स्थापना 7 दिसंबर 1925 को की गई थी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता है? तो इनमें से कौन सी एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा अदलंसा हॉकी प्रतियोगिता। ये हर साल मलेशिया में आयोजित करवाई जाती है। नेक्स्ट, पुरुषों की राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप कब प्रारंभ हुई? तो कब प्रारंभ हुई, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1928 में। नेक्स्ट, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप कब प्रारंभ हुई? तो ये कब प्रारंभ हुई, इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा 1938 में। नेक्स्ट, बेटन कप हॉकी प्रतियोगिता कब से आरंभ हुई? तो ये अगर इसकी बात करें तो ये हुई थी 1895 में स्टार्ट हुई थी बेटन कप हॉकी से संबंधित, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। नेक्स्ट, 131 नंबर क्वेश्चन, बेटन कप प्रतियोगिता प्रत्येक वर्ष कहाँ कराई जाती है? तो इसकी मैं बात करूँ तो ये करवाई जाती है कोलकाता में। नेक्स्ट, आगा खान कप हॉकी प्रतियोगिता प्रत्येक वर्ष कहाँ, किस शहर में आयोजित करवाई जाती है, अगर हम इसकी बात करें तो ये मुंबई में आयोजित करवाई जाती है। नेक्स्ट, बॉम्बे गोल्ड कप प्रतियोगिता कहाँ होती है? तो बॉम्बे गोल्ड प्रतियोगिता कहाँ होती है, 133 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, उबेदुल्ला खान गोल्ड कप प्रतियोगिता कहाँ आयोजित करवाई जाती है, ये भी हॉकी से संबंधित है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये भोपाल आएगा। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू हॉकी प्रतियोगिता इस शहर में आयोजित करवाई जाती है, जवाहरलाल नेहरू हॉकी प्रतियोगिता, ये भी हॉकी से संबंधित है, तो कहाँ पे आयोजित होती है हर साल, ये नई दिल्ली में आयोजित होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्राष्ट्रीय, सॉरी ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गए, हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट है, जूनियर हॉकी, जूनियर नेहरू हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ करवाया जाता है, तो ये होता है नई दिल्ली में आयोजित होता है, नेहरू कोई भी नेहरू वो नई दिल्ली में मिलेगा आपको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हॉकी कप्तान को ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक से वंचित होना पड़ा, किस कैप्टन को होना पड़ा, तो ये है अजीत पाल सिंह, बाकी सभी गोल्ड मेडलिस्ट टीम के कैप्टन रहे थे, एक अजीत पाल सिंह ऐसे रह गए थे जो गोल्ड मेडल टीम के कैप्टन नहीं रह पाए। नेक्स्ट है, सुमिलित कर्णा की ध्यानचंद पुरस्कार कब किसको मिला, तो यहाँ पे हम जो इसका आंसर बताए हैं जो 138 में सी, ऑप्शन सी, यहाँ पे देखेंगे आप, राजकुमार को मिला 2011 में, कैप्टन चंद्रूप को मिला 2010 में, सतबीर सिंह दहिया को मिला 2009 में, ज्ञान सिंह को मिला 2008 में। नेक्स्ट मैं बात करूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित किस हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो किस खिलाड़ी को किया गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा धनराज पिल्ले को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एथलेटिक्स हेतु वर्ष 2013 के ध्यानचंद पुरस्कार से विभूषित किया गया, किस एथलेटिक्स को वर्ष 2013 तो पूछा है 13 हेतु पूछा है कि ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा मैरी डिसूजा। ठीक है, अभी आज के लिए इस वीडियो में 40 क्वेश्चंस ही हैं, नेक्स्ट वीडियो जल्दी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपकी जो TGT फिजिकल एजुकेशन UP में जो एग्जाम होने वाला 8-9 मार्च को, उसकी अच्छी तैयारी चल रही होगी और आपकी अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पे रहने वाली है। हर किसी को तो जॉब नहीं मिल सकती, लेकिन कुछ बच्चों की वहाँ पे अच्छा ऑप्शन है भी जॉब लगने का, तो सभी को एग्ज़ाम के लिए लगभग मैं इतने दिन पहले भी बोलना चाहूँगा कि सभी को विश ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहें, ये आपकी ज़िंदगी का सवाल, अगर आप जॉब लग जाते हैं तो रियल में आपकी जो समाज के अंदर जो आपकी करंट पोजिशन है उसमें भी बहुत बड़ा चेंजमेंट आता है। आप चाहे कितने भी मेहनत कर रहे हो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आप जॉब लग जाते हो ना, आप मुझे कुछ भी ना किया उसके बाद भी उस इंसान की रिस्पेक्ट हो जाती है समाज में, तो इसलिए मेहनत करते रहें, लगातार पढ़ते रहें, वीडियोज़ को देखते रहें, बुक्स को पढ़ते रहें। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आपको हर तरह की फिजिकल एजुकेशन में जो भी मदद कर पाऊँ मैक्सिमम। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में इतना ही, शेयर करें, लाइक करें और चैनल के साथ लगातार बने रहें। थैंक यू।